नमस्कार स्वामी न्यूज टॉप 10 में आपका स्वागत है। मैं हूं पवन अटारिया। अजमेर के टॉप 10 समाचारों में बड़ी खबर। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान सरकार द्वारा हो रहा विकास कार्य दूरबीन से भी भाजपा को नहीं दिख रहा। भाजपा को मोतियाबिंद हो गया है। भाजपा नकारात्मक राजनीति कर रही है, इसका कोई इलाज नहीं। एक दिवसीय दौरे पर अजमेर आए शर्मा ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के रीट कार्यालय में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया, लेकिन किसी भी राज्य को आज तक 10% राशि भी नहीं मिली। इस दौरान उन्होंने राजस्थान सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल की उपलब्धियां भी गिनाई। अजमेर जिला प्रभारी लालचंद कटारिया, चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा आज अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान अजमेर पहुंचे, जहां वह माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय के रेड कार्यालय के सभागार में जिला प्रशासन के सभी विभागों के अधिकारियों की उन्होंने बैठक ली। इस बैठक में प्रभारी सचिव भवानी सिंह देता, संभागीय आयुक्त वीणा प्रधान, IG हवा सिंह घुमरिया, जिला कलेक्टर प्रकाश राजपुरोहित, जिला पुलिस अधीक्षक कुमार राष्ट्रदीप सिंह सहित सभी विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। बैठक में राज्य सरकार की ओर से चल रही जन कल्याणकारी योजनाओं को लेकर समीक्षा की जा रही है। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा और प्रभारी मंत्री लालचंद कटारिया के एक दिवसीय दौरे पर कांग्रेस संगठन के कुछ कार्यकर्ता नाराज नजर आए। कार्यकर्ताओं का कहना था कि मंत्री जिला प्रशासन के साथ बैठक कर चले जाते हैं, संगठन की बैठक नहीं लेते, जिससे उन्हें पता चल सके कि संगठन में कांग्रेस के क्या हाल हैं। सूबे के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा मंगलवार सुबह अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार अजमेर जाते वक्त पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय के सामने रुके, जहां कांग्रेसजनों ने उनका फूल मालाओं के साथ गर्मजोशी से स्वागत किया। मौजूद कांग्रेसजनों ने पुष्कर के राजकीय चिकित्सालय के लिए भूमि आवंटन कर इसे सैटेलाइट हॉस्पिटल घोषित करने की मांग की, जिस पर रघु शर्मा ने जल्दी कवायद शुरू कर नए चिकित्सालय भवन हेतु भूमि आवंटन करने और चिकित्सालयों में चिकित्सकों की संख्या बढ़ाने की कवायद जल्द शुरू करने की बात कही। अजमेर के दरगाह शरीफ, जहां फिल्मों की सफलता के लिए सितारे चादर चढ़ाने आते हैं, राजनेता अपनी सत्ता की सलामती के लिए दुआ मांगने आते हैं, वहीं अजमेर दरगाह से कुछ दूरी पर तारागढ़ स्थित मीरा साहब बाबा की दरगाह है। यहां पर एक ऐसा पेड़ है जहां उसके फूल का सेवन करने पर पुत्र या पुत्री की उन्हें प्राप्ति होती है। क्या है पूरा मामला, आइए देखिए। ऐसी मान्यता है कि अकबर ने औलाद पाने के लिए नंगे पांव अजमेर शरीफ की यात्रा की। बे औलाद अकबर की झोली ख्वाजा साहब ने भर दी और उन्हें संतान का सुख हासिल हुआ। ख्वाजा के इस शहर में एक और दरगाह है, मीरा सैयद हुसैन किंग सवार की। इनके दरगाह में एक करिश्माई लाल बूंदी पेड़ है। इस पेड़ की खूबी यहां लोगों को खींच लाती है। दरअसल इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि जो इसके फल को खाता है वह बे औलाद नहीं रहता। नगरी पुष्कर के निकटवर्ती गनाएड़ा ITI केंद्र में आज नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए नवनिर्वाचित प्रधान सीमा रावत ने कहा कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जनता ने जो उन्हें जिम्मेदारी सौंपी है और विश्वास व्यक्त किया है, उस पर कसौटी पर खरी उतरेंगी। इस अवसर पर विधायक सुरेश सिंह रावत ने कांग्रेस को जमकर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में गाँव का विकास पूर्ण रूप से ठप हो गया, जिसके चलते पंचायत समिति और जिला परिषद चुनाव में कांग्रेस को जनता ने सबक सिखा दिया। अजमेर किन्नर समाज की गद्दी नशीन काजल किन्नर ने नकली किन्नरों को लेकर रामगंज थाने में मामला दर्ज कराया है। काजल किन्नर ने बताया कि सासी बस्ती की कुछ महिलाएं बाहर के किन्नरों को शहर में बुलाकर गुंडागर्दी करवा रही हैं, जिससे आम लोग परेशान हो रहे हैं। साथ ही उसने आरोप लगाया कि नकली किन्नर अपनी टीम बनाकर उनके समाज के लोगों पर जातियां कर रहे हैं और जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। मामले को लेकर किन्नर समाज ने पुलिस से सुरक्षा देने की मांग की है, साथ ही दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है।
अजमेर नगर निगम की ओर से जन जागरण अभियान के तहत आज कोरोना जागरूकता रैली निकालकर लोगों को कोरोना के प्रति सजग रहने का संदेश दिया। नगर निगम से शुरू हुई इस रैली में निगम के अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हुए। रैली गांधी भवन चौराहे होते हुए रोडवेज बस स्टैंड पहुंची, जहां पर यात्रियों को मास्क लगाने की अपील करते हुए महामारी से बचने की जानकारी दी। निगम प्रशासन ने बताया कि आगे भी इस तरीके के जन जागरूकता अभियान चलते रहेंगे।